नमस्कार, मैं हूँ निम्पल राय और आप लोग जुड़ चुके हैं पहरेदार भारतीय के साथ। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग डिप्रेशन, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो हर किसी को आसान लगता है मौत को गले लगाना। इसी तरीके का एक मामला सामने आया है, गांव जोरण नाली का एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। क्या कुछ कारण है, किस लिए, किस वजह सब कुछ हुआ, परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला हुआ, किस तरीके से मामला? तो अभी कोई कारणों का तो कोई पता चला नहीं जी। तो बढ़िया शाम को वृक्षा पे इनके डबल रोड पे, तो शाम को बढ़िया अपने जो उनके साथ वो कारीगर है एक दो, उनके साथ बैठा है और बैठे बैठे फिर इन्होंने होटल से रोटी मंगाई है। अभी तक मेरे रोटी खाई नहीं और सीधा चला गया पटरी जाके और अपने दूसरे साथी को फ़ोन कर दिया कि मैं ट्रेन के आगे आ रहा हूँ। वो इतना कह के और दूसरे लड़के वो भागे ट्रेन की तरफ, इससे पहले वो ट्रेन के नीचे आ गया था। ये किस जगह की घटना है? ये डबल ई रोड जो महाराजा पैलेस के सामने है। तो कुछ पता चल पाया नहीं? अभी कोई कारणों का नहीं, किसी तरह कोई झगड़ा नहीं। आपको जानकारी कैसे मिली? हमें तो इसके साथियों ने फोन किया था, इसके बड़ा भाई भी उसके साथ ही है, तो वो कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, उसके पास फोन किया कि जल्दी आता हूँ, शॉप पे लड़ाई होगी। तो जैसे शॉप पे पहुंचा उसके बाद उसको बताया कि ये बात होगी। युवक की उम्र कितनी वर्ष की होगी? जिसकी नियर अबाउट 25 साल होगी। अभी 7-8 महीने शादी हुई थी पहले। आपका नाम? राय साहब जी, जोड़नाली से। अभी तक मृत्यु के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। जिस तरीके से युवक ने अपने सिर्फ साथियों को फोन करके बताया कि वो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने लगा, आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए पहरेदार भारतीय न्यूज़ के साथ। Hi, my name is Badu Mirza and I have been studying in the Magnus language school for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Korvik and I'm studying in Magnus language school, and I have been here in for 10 days and I have been learning continuously 10 days, and I have improved my English very well.